सिटी हॉस्पिटल खगेंद में आपका स्वागत है। मैं हूँ मौसम। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश बलिया जिले के मरीज से मिलवाने जा रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश से बिहार के बेगूसराय जिला में आए हैं दिखाने के लिए। इनकी नाक में प्रॉब्लम है, इनकी सांस लेने में बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी। ये बहुत जगह दिखाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, ये संतुष्ट नहीं हुए, तो ये बिहार के बेगूसराय जिला में आए हैं दिखाने के लिए डॉक्टर रासून सर से। तो जानते हैं अभिषेक कुमार से कि क्या प्रॉब्लम थी और कितने दिनों से परेशान है और कहां कहां दिखा चुके हैं। तो अभिषेक जी, ये बताइए कि आप कहां से चल के, आप उत्तर प्रदेश बलिया जिला के रहने वाले हैं जी। तो आप वहां दिखाए होंगे डॉक्टर साहब से जी। तो वहां डॉक्टर साहब से दिखाए तो क्या बताए, वहाँ बताए दवाई चलाए, कुछ असर नहीं किया, काम नहीं किया वहाँ की दवाई। तो प्रॉब्लम आपको पता चली थी कि प्रॉब्लम क्या है आपका? मालूम चल गया था, लेकिन दवाई खा रहे थे, ऑपरेशन करने के लिए बोल था, लेकिन ऑपरेशन बोले बहुत टेढ़ा है, नाक काट बहुत टेढ़ा है जी। अभी जब आप आए हैं बिहार के बेगूसराय जिला में डॉक्टर रासन सर के पास, तो ये किस तरीके से है, यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको देख के आप यहाँ तक आए हैं? तो अभी डॉक्टर साहब क्या बताया आपको? बोले सिटी स्कैन कराना होगा। आपकी नाक की दूरबीन से जांच हुई, जिसमें दिखा कि सेप्टो आपका सेप्टम जो है बढ़ा हुआ है, नाक का बीच का दीवार जिसको सेप्टम कहते हैं वो डिवाइड हो गया है, आपका ज्यादा ग्रोथ हो गया है। तो ये बताइए कि आपको सांस लेने में कितने दिनों से प्रॉब्लम थी? 5 साल से। 5 साल से आप इस सांस लेने की प्रॉब्लम से पीड़ित थे जी। तो अभी आप जांच के दौरान आपको बताया गया कि सिटी स्कैन होगी और नाक का जो दूरबीन से देखा गया है तो उसमें पता चला है कि आपकी सर्जरी होगी नाक की, सेप्टोप्लास्टी। तो आपको डर भी लग रहा है कि नाक काट के होगा या किस तरीके से हमारी ऑपरेशन होगी? डर तो लग रहा है, मालूम चलेगा। ये जब भी ऑपरेशन होती है तो नाक से दूरबीन की विधि से अंदर अंदर मशीन से होती है, जो सेप्टम होता है हमारा नाक का बीच का भाग, वो कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को रिमूव करते हैं और दोनों जो नाक की श्वसन नली है उसको स्ट्रेट करके रास्ता बनाते हैं और उसको नाक को काट के नहीं होती है, अंदर अंदर मशीन से होती है, कहीं भी दाग धब्बा नहीं दिखता है दोस्तों। तो आपके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बेगूसराय आए हैं बिहार की बेगूसराय जिला, तो डरने की बात नहीं है। नाक के अंदर अंदर मशीन से सर्जरी होगी और कहीं भी पता नहीं चलेगा, आपको कोई भी देख के कह नहीं सकता है कि आपकी नाक की ऑपरेशन हुई है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप अभिषेक के पिताजी हैं? यस मैडम। आपके बच्चे को कितने दिनों से प्रॉब्लम थी? वही 4-5 साल से, 5 साल से है, बेसी भी हो गया है जी। मगर हमने बहुत जगह रांची भी दिखाया है जी, धनबाद भी दिखाया, एक के झा जी ना जी, उन्होंने हमें बताया कि दवा आप कीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा जी, लेकिन उससे भी हमारा कोई जो है फायदा नहीं हुआ। तो जब फायदा नहीं हुआ तो हमने बच्चे को बोला, तो बच्चे ने बनारस दिखाया जी। बनारस भी से भी जो है कुछ नॉर्मल तो आप देख ही रही हैं जी। हमने डॉक्टर साहब को भी दिखाया तो उन्होंने हर समस्या बताए जी ना। तो इसलिए अब इस लड़के के जरिए किसी से पता चला जी कि हमें वहाँ जाना होगा, वहाँ हम दिखाएंगे तो सक्सेस। अभी आप किस हॉस्पिटल में आए हैं दिखाने के लिए? अभी हम खगेंद्र भैरव अस्पताल, खगेंद्र वैभव वैभव अस्पताल में जी हम दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब आपका नाम बताइए? डॉक्टर रोशन कुमार जी है ना। तो इस तरह हम बच्चे को लिए बहुत परेशान हुए, बहुत पैसे भी हमने खर्च किए, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और किसी पर बच्चा कोई भी काम करने जाता तो आंखें भी लाल हो जाती हैं और परेशान भी हो जाता है, थक जाता है ना, काम को ठीक से कर नहीं पाता है जी। कहीं बाहर जाके मान लीजिए कोई तरह का काम करना हो तो उसके लिए हिचकिचाता है, कर नहीं पाता है ना। इसलिए हम जो है सोच समझ के यहाँ पर आए हैं कि चलिए यहाँ हमें राहत मिल जाएगी तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो हम नाम लेंगे इस हॉस्पिटल का, चाहे जो भी आगे कुछ भी होगा, किसी प्रकार का कोई हमें मरीज मिलेगा तो हम उसे बताएंगे जी कि भाई हमारा यहाँ हॉस्पिटल में हमने दिखाया तो हमारा बच्चा
सक्सेसफुल। तो अभी जो सर आप बता रहे थे कि हमारे बच्चे सुस्त हो जाता है, काम नहीं करना चाहता है या प्रॉब्लम हो जाती है, कर नहीं पाता है, तो इसका कारण होता है दोस्तों। तो हॉस्पिटल आपको कैसा लगा? अब तो हॉस्पिटल तो अच्छा लगा, किंतु अगर लड़का अगर मेरा सक्सेस हो जा रहा है जी, तो उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी शेख जी के पिताजी बिल्कुल खुश हैं यहाँ के डॉक्टर साहब से मिल के, हॉस्पिटल को देख के। और फिर सर्जरी के बाद देखते हैं कि अभिषेक कुमार की अगली जो होती है अगली कड़ी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।